क्या आप भी नौकरी करते हैं या फिर नौकरी की तलाश में हैं? तो इस खबर को जरा ध्यान से सुनिए। नमस्कार, स्वागत है आपका तेज तरार में और मैं हूं आपके साथ आफरीन खान। देश में इन दिनों महंगाई ने आम जनता की कमर तोड़ रखी है, वहीं बेरोजगारी भी एक बड़ा मुद्दा है। अब ऐसे में देश में नौकरी की तलाश करने वालों की संख्या भी काफी ज्यादा है, लेकिन इसी के बीच नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने के मामले भी लगातार बढ़ रहे हैं। दरअसल दिल्ली से एक ऐसी ही घटना सामने आई है, जहां पर दिल्ली मेट्रो में नौकरी लगवाने के चक्कर में लोगों ने अपने अकाउंट खाली करवा दिए और ये सब हुआ बस एक लिंक पर क्लिक करने से। बता दें, एक युवक और एक युवती को मेट्रो में नौकरी दिलाने के बहाने ठगा गया और उन्हें चूना लगा दिया गया। पीड़ित महेश कुमार, जिन्हें नौकरी की जरूरत थी और इसी के चलते 24 मार्च को व्हाट्सएप पर उनको एक अनजान नंबर से दिल्ली मेट्रो में नौकरी दिलाने का फॉर्म भरने का एक ऑप्शन आया। उसके बाद उन्होंने उस लिंक को खोलकर उस फॉर्म को भरना शुरू कर दिया, लेकिन फॉर्म सबमिट करने से पहले उन्हें 49 रुपए की पेमेंट करने का ऑप्शन आया। अब पीड़ित ने बिना कुछ सोचे समझे अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स भर दी और पेमेंट करने लगे। तभी अचानक से उनके खाते से 19,000 रुपए निकल गए। इसके बाद जब उन्होंने उस नंबर पर कॉल करने की कोशिश की तो ठगों ने वो नंबर पहले ही बंद कर दिया था। दूसरी घटना पीड़ित केशवी के साथ हुई, जहां उन्हें भी व्हाट्सएप पर ऐसे ही एक लिंक प्राप्त होता है और वो भी मेट्रो में नौकरी के लिए उस फॉर्म को भरना शुरू कर देती हैं। आपको बता दें कि केशवी भी इस फ्रॉड को नहीं भाप पाती और 49 रुपए की पेमेंट के चक्कर में 28,000 का चूना लगवा बैठती हैं। तो अब अगर आपके पास भी कोई ऐसा मैसेज या लिंक आता है जिसमें आपको नौकरी दिलवाने के लिए कहा जाता है, तो उस पर क्लिक करने से पहले जरा सावधान हो जाएं। इस पूरी खबर के बारे में जानकर आपको कैसा लगा, अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और तेज तरार को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाएं, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।